नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, 3i इन्फोटेक में आज 5% की गिरावट है। काफी दिनों बाद ये गिरावट आई है, जो कि हैवी बाइंग चल रही थी एक वक्त। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 5% इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद भी? न्यूज क्या है शायद आपको पता नहीं हो, और शायद डिटेल में आपको पता नहीं हो। और अगर आपको डिटेल में पता है तो आप ये बात जान लीजिए कि वो एक अच्छी न्यूज़ है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस न्यूज़ में कोई ख़राबी नहीं। पैनिक मत क्रिएट करना बिल्कुल भी, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग की जा रही है। मैं आपको पूरा जो है वो एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एग्जाम्पल नहीं, आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि ये जो रिटेल जो पैनिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो खबर क्या है और यहाँ पर क्या कुछ गलत है या रिटेल की पैनिक के। और उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने इसका जो रिजल्ट है वो ठीक से देखा या नहीं देखा? अगर आपने ठीक से नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं डिटेल में 2 सेकंड में वो रिजल्ट ख़त्म कर दूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जो रिजल्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमाल का है। लेकिन 2 बिग न्यूज़ हैं इसके अंदर, फिर भी इसमें लोअर सर्किट लगाए, असल में हो क्या रहा है चलिए देखते हैं। तो ये आज आपके सामने एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है, और उसके जो बीच का मिडिल पॉइंट है वो आप देख रहे होंगे सेंटर का, वहाँ पर 9.25 रुपये पर लोअर सर्किट लग गया 9:22 पर। तो इतना हैवी वॉल्यूम, 1,80,00,000 शेयर जो है वो ट्रेड हो चुके थे उस वक्त, और यहाँ पर 1.5 करोड़ शेयर से जो है वो यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है शेयर में। तो यहाँ पर और क्या क्या है, लगातार इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी, लगातार इसमें जो है वो यहाँ पर डिलीवरी उठ रही थी 50-50, 51%, 49-51, 79.9% तक इसमें होल्डिंग जो है वो लगातार उठ रही थी, हर दिन उठ रही थी। 10 मई से लगातार जो है वो सिलसिला जारी था, हमेशा से रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो हैवी बाइंग जो है, कुछ इनसाइडर न्यूज़ लगता है ऐसा कुछ निकल के आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो पहले से ही खरीदारी हो गई थी। अब फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल में कोई भी बुराई नहीं है। मार्केट कैप देखिए आप, 1590 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 0.45 है और पी रेशियो 21.95 है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 30 है, तो कोई भी ज़्यादा महंगा स्टॉक तो है नहीं, बिल्कुल भी महंगा स्टॉक नहीं है। और अर्निंग पर शेयर जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू जो है पर शेयर की 2.68, यानी फंडामेंटली देखें तो इस स्टॉक को 2.68 रुपये पे BSE के हिसाब से होना चाहिए था, 2.70 रुपये के आसपास की जो है इसकी बुक वैल्यू है अगर हम फंडामेंटल देखें तो। लेकिन उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब आपको खबर तो पहले जो है पता तो चली गई होगी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में 161 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है ना, 161 करोड़ शेयर्स हैं। और यहाँ पर जो प्रमोटर हैं, जो प्रमोटर अब कौन है आगे आपको पता चले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो प्रमोटर हैं वो यहाँ पर एक ऑप्शन लेके आए हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने डिसीजन लिया है, एक्चुअली ये पूरा होने वाला है कि 3i इन्फोटेक में जो शेयर जो होल्ड करते हैं लोग, जैसे आप 100 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 100 शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे, वैल्यू उतनी रहेगी। इसीलिए रिटेल पैनिक कर रहा है और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मसला क्या है, 100 शेयर आपके पास है, 10 शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 10 शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो रेट है, जो 10 रुपये चल रहा है उसमें 10 का गुणा कर दीजिए, वो 10 गुना हो जाएगा रेट। कोई भी रेट चल रहा होगा, जिस दिन ये होगा उस दिन जो रेट चल रहा होगा वो 10 गुना आपका रेट हो जाएगा, और जो शेयर हैं वो 10 गुना आपके कम हो जाएंगे। यानी 100 शेयर हैं तो 10 शेयर हो जाएंगे, 10 शेयर हैं आपके पास तो 1 शेयर आपके पास रह जाएगा। लेकिन जो वैल्यू है वो आपकी बराबर रहनी है, जहां आपने 1,000 रुपये लगाया वो 1,000 रुपये तो रहने वाला है। अब इससे होगा क्या, अगर आपके पास 101 शेयर हैं, मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूज़न दूर कर दूं जिसकी वजह से पैनिक है, आपके पास 101 शेयर है तो 100 शेयर के बदले 10 शेयर तो हो जाएगा, लेकिन जो 1 शेयर है उसका जितना पैसा अमाउंट जो भी होगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, यानी डीमेट अकाउंट में आपको पैसा उतना आ जाएगा, ठीक है ना, उसका शेयर नहीं मिलेगा, उस जो बचा हुआ शेयर है उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है मार्केट में इक्विटी कम करने का, यही येस बैंक के अंदर केस होना चाहिए, और यही आइडिया वोडाफोन के अंदर भी यही केस होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये येस बैंक और आइडिया वोडाफोन में यही केस होगा, क्योंकि मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो बढ़ ही नहीं रहा है और कंपनी जो है अभी दिक्कत में चली रही है। जब जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तुरंत इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम करे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ को होना जरूर तय है, इतनी बड़ी एंटिटी है वो ख़राब नहीं कर सकते।
क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम बढ़ेगा और प्राइस जो है वो बढ़ता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये यस बैंक और आइडिया में भी ये केस 100% हो सकता है जो यहाँ पर 3i इन्फोटेक में हो रहा है। तो 3i इन्फोटेक में बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, कुछ भी डरने की बात नहीं है। शेयर मत बेचना, अगर शेयर आपका 100 रुपये पे आपका जो है लिस्ट होगा और 10 शेयर आपके पास रह जाएंगे तो वैल्यू आपकी 1000 रुपये वही रहेगी। अगर आपने 10 रुपये पे 100 शेयर खरीद लिए या 9 रुपये जो कुछ भी खरीदे वो सेटलमेंट होगा, तो 10 रुपये पे सीधे सीधे समझिए 10 रुपये जो आपने खरीदे तो 1000 रुपये आपने इस कंपनी में लगाए और 1000 रुपये आपकी जो है जिस 100 रुपये का जब शेयर हो जाएगा और 10 शेयर आपके पास रह जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 1000 रुपये रहने वाली। लेकिन जब ये होगा तो आपका जो शेयर है 100 रुपये वाला वो 100 रुपये नहीं रहने वाला, वो 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ऐसा रुचि सोया जो है उसमें भी हमको देखने को मिला है। तो ध्यान रखिए, रुचि सोया भी बन सकता है, लेकिन देखते हैं होता क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है फाइनेंशियल मार्केट की। अब 3i इन्फोटेक का आपने रिजल्ट तो देख लिया होगा, प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट कंसोलिडेट क्या है, सारी कंपनी सारी सब्सिडरीज जो है इनका मिला के इनका जो प्रॉफिट है वो 1652% जो है वो उछाल मारा है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट जो हम बात करते 434 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने क्लॉक किया है, जो कि इनका जो प्रॉफिट होता था वो सिर्फ 24.81 करोड़ रुपए होता था। तो 24 करोड़ से 434 करोड़ का प्रॉफिट होने लगा, 435 है एक्चुअली, 435 करोड़ रुपए का जो है वो प्रॉफिट कर रही है कंपनी। इतना बड़ा जंप जो हमको देखने को मिला है, ध्यान रखिएगा ये बहुत सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टॉक को भूलना नहीं है। अगर ये हो जाए, ये होने के बाद भी आप इसके शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन जब ये 100 का 10 शेयर हो जाएगा, ये जो रिडक्शन है इक्विटी की, आप उससे पहले खरीद कर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब ये जिस दिन ये लिस्ट होगा उसके साथ, उस दिन आपको खरीदने का मौका जो है वो शायद ना मिले। इनके पास असेट जो है वो 1524 करोड़ के, उतना ही मार्केट कैप है। अब प्रमोटर देखिए, प्रमोटर 0 दिख रहा होगा और प्रमोटर इसमें असल में है ही नहीं। अब प्रमोटर है असल में कौन, इसके देखते हैं। FII 0.8% है, 0.08%। जो DII है वो 22.68% है। नॉन इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 77.24% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, आपके जो प्रमोटर हैं वो एक्चुअली DIIs हैं। अब DIIs कौन है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो IDBI लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड, कैनरा बैंक मुंबई, पंजाब नेशनल बैंक, और इसके जो अदर शेयर होल्डर हैं उनमें SREI इंफ्रा जो है, SREI मल्टीपल असेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो 16.06% इस कंपनी होल्ड करते हैं। सोनी सेवेस्टियन यहाँ पर 2% होल्ड करते हैं, सोनी की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी होल्ड करती है। टाटा यहाँ पर होल्ड करते हैं 1.44%। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप कहेंगे संभाल कौन रहा है, सिर्फ इतनी बैंकें हैं, जो 4 बैंकें उतना ही नहीं संभाल ली, इसमें और भी नाम शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। और यहाँ पर जो प्रमोटर की हम जो बात कर रहे हैं वो यही बैंक हैं असल में, सारी जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने मिलकर जो है वो इस कंपनी को बनाया था, इस कंपनी के प्रमोटर हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और इस चीज़ पर ध्यान रखिए, इसमें अगर आपका प्रमोटर का आपका जो है जो आपका आप बात करते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर नहीं है, तो प्रमोटर एक्चुअली DIIs है। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस चीज़ को। अब देखिए, पैनिक क्यों ना हो, पैनिक इसलिए हो रहा है, 17 मई कल का दिन जो है, मंडे का दिन, टॉप गेन नाम की एक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फर्म है, जो कि इसमें ट्रेडिंग करती है, और देखिए 12 मई को भी ट्रेडिंग करी गई है इनकी तरफ से। और पैनिक देखिए कैसे, 1 करोड़ शेयर हैं, 1 करोड़ छोटे मोटा शेयर नहीं होता है, 1 करोड़ बहुत शेयर होता है, बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं। तो 1 करोड़ शेयर अगर आप बेच देना मार्केट में किसी शेयर के, तो उस शेयर में तो लोअर सर्किट तो लगने ही वाला है। तो ये जो टॉप गन फाइनेंस है, ऐसे 2-3 अगर मिल गए ना, तो इस शेयर को जो है ऊपर नीचे कर दें और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फंस जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, शेयर नहीं बेचिएगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो गलती से शेयर नहीं बेचिएगा, यहाँ पर आपको मुनाफा अच्छा खासा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 100 शेयर का 10 शेयर का जो कन्वर्ट है
वो बहुत ही अच्छा है, आपका प्राइस यहाँ से 10 गुना भी होने वाला है, तो आपकी वैल्यू जो है उसमें कोई घाटा नहीं है। इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, इस कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये कंपनी ऐसी कुछ बातें चली हैं कि ये कंपनी जो है वो बिक सकती है किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों, तो ध्यान रखिएगा इसका कोई मालिक जो है वो आ सकता है। अपने अभी जो है वो इस वक्त जो सारी सरकारी बैंक है उनके जो MD हैं वो इस कंपनी को होल्ड करते हैं, तो ध्यान रखिए इस कंपनी को जो चला रहा है वो सरकारी बैंक है और ये बहुत ही उम्दा कंपनी है IT सेक्टर की। तो अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर करना क्या है, पैनिक बिल्कुल मत करिएगा, जो लिए हैं वो लिए रहिए। अगर आपको नीचे के लेवल्स दिखाई देते तो उन पर भी आप इसमें जो है वो शेयर ले सकते हैं। आपने प्रॉफिट देख लिया, रिजल्ट एकदम कमाल का आया, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है, तो इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं कि यहाँ पर रिजल्ट ख़राब है, ठीक है। रिटेल यहाँ पर रिजल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो रिटेल जो पैनिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो रिटेल जो पैनिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर भड़बड़ा के जो है वो शेयर मत बेचना। यहाँ पर जो नीचे के लेवल्स हैं यहाँ पर ख़रीदारी करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ऊपर जो रिटेल इन्वेस्टर को निकालने की जो है वो यहाँ पर होड़ चल रही है रिटेल इन्वेस्टर को निकालने, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो मार्केट में उतने ही है, यहाँ पर सब लोग खरीदना चाहते हैं इस शेयर को। तो ध्यान रखिएगा इस बात को और आप बने रहिएगा, आपका यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर वैल्यू कोई भी डाउन नहीं होने वाली। यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो देने के लिए यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी जो वैल्यू है वो मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस जो बेल आइकन बटन है उस पर आप टच करके बेल आइकन को यूज़ करिएगा ताकि नई वीडियोस जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अब दीजिए मुझे याद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।